हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सलोनी और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये लुक है कॉलेज गर्ल्स के लिए। जो कॉलेज में पढ़ती हैं या जिनको ऑफिस वगैरह जाना रहता है उनके लिए भी परफेक्ट है। तो ये लुक उनके लिए है। इस लुक में मैंने ज़्यादा कुछ हैवी नहीं यूज़ किया है, सारे मेकअप को सिंपल रखा है, नो मेकअप लुक। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने इस लुक को कैसे अचीव किया है और क्या क्या प्रोडक्ट मैंने यूज़ करा है, इस वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने आईब्रो को फिल कर लिया है एडिस के आईब्रो पाउडर से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लू हेवन का फेस प्राइमर और ये प्राइमर बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल भी है और आपकी स्किन पे एक बहुत अच्छा स्मूथ बेस क्रिएट करता है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो तो आपको प्राइमर थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करना है क्योंकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे इसलिए। तो ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल भी है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ लैक्मे 9 to 5 सीसी क्रीम और ये मेरा फेवरेट है। डे टाइम के लिए बहुत अच्छा है। या आपको लाइट मेकअप चाहिए, कुछ हैवी वगैरह नहीं चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं कॉलेज के लिए यही बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ना बहुत ज़्यादा मेकअप ना बहुत ज़्यादा कम, आपके फेस पे एक लाइट रहेगा, एक ग्लो रहेगा और अच्छा कवरेज भी मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक फाउंडेशन ब्रश और उससे मैं अच्छे से अपनी सीसी क्रीम को ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ ब्रश से ब्लेंड करने में, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। अदरवाइज़ मैं कभी कभी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ, वो भी फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए, ना कि सीसी क्रीम बेबी क्रीम। हमें अपने नेक को भी स्किप नहीं करना है, नेक पे भी अप्लाई करना है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मैबेलिन का कंसीलर और उसे मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूँगी अपने अंडर एरिया में, आईलिड्स पे थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल जहाँ पे मुझे थोड़ा लगे कि मुझे अप्लाई करना है वहाँ पे। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो कंसीलर और फिर मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब करना है। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करो। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ लोटस का कॉम्पैक्ट और उससे मैं अपने सीसी क्रीम को एंड कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि हमारा जो मेकअप रहे वो लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड स्वेट प्रूफ रहे। ये कॉलेज मेकअप है एंड जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं और ये आपका मेकअप मतलब 4-5 घंटे तो आराम से चलेगा। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका मेकअप बिल्कुल ऐसे ही रहेगा कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मैक का आई शेडो पैलेट और इसमें से मैं ले रही हूँ लाइट ब्राउन शेड और उसे मैं सिर्फ अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी। एक नेचुरल सा लुक है इसलिए। और सेम आई शेडो से मैं अपने नोज़ को भी कंट्रोल कर लूँगी, थोड़ा सा मेरा नोज़ स्लिम दिखे इसलिए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ इन कलर का जेल आईलाइनर और यहाँ पे मैं इसलिए जेल आईलाइनर ले रही हूँ ताकि आपका जो आईलाइनर वो ख़राब ना हो। अगर आप लिक्विड आईलाइनर अप्लाई करते हो तो वो स्वेट प्रूफ भी नहीं रहता और बहुत जल्दी हट जाता है, रिमूव हो जाता है, बट जेल आईलाइनर नहीं हटेगा, आराम से आपके आँखों पे इजीली ये स्टे रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का मस्कारा और ये मस्कारा भी बहुत अच्छा है, आपके लैसेस को नेचुरल वॉल्यूम देता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा।
और जो जो प्रोडक्ट्स के लिंक मुझे मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको लेना है तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मिस क्लेयर का ब्लशर, और ये बिल्कुल लाइट शेड है, बिकॉज हमें कुछ भी हैवी नहीं चाहिए, सब कुछ सिंपल चाहिए, लाइटर चाहिए। बहुत लाइट पीची शेड है, सो ये ब्लश बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ हाइलाइटर, और हमें बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं अप्लाई करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करना है, एक नेचुरल सा ग्लो आए इसलिए। तो आप देख सकते हो मैं कितना कम यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं अपने ब्रा बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ किस ब्यूटी का लिपस्टिक, पिंक शेड में है, आपको जैसा लिपस्टिक पसंद है वैसा ले सकते हो। अगर आपको लाइट लिपस्टिक पसंद है तो आप लाइट लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो, डार्क लिपस्टिक पसंद है तो डार्क लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप लिप बाम के साथ भी जा सकते हो। सो मैं यहाँ पे पिंक लिपस्टिक अप्लाई करना पसंद करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे पिंक लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। एंड लास्ट में मैं अप्लाई करूँगी मेकअप फिक्सर, क्योंकि ये कॉलेज मेकअप लुक है और हमें अपने मेकअप को फिक्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारा मेकअप ज़्यादा टाइम तक स्टे रहे। तो मैं अपने मेकअप को फिक्स कर ले रही हूँ यहाँ पे, एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। अगर आपको ये लुक पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये लुक अच्छा लगा या नहीं। सो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।